भी हमारे साथ वहां उस स्थल पर मौजूद हैं जहां पर यह हादसा हुआ। मौके से उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है, पहले वो देख लेते हैं। ये वो जगह है जहां आज कई लोग मौत की नींद सो गए। ये देखिए यहाँ पर जिस तरह की एक खिड़कियाँ हैं, इसको लोहे की ग्रिल से कवर किया हुआ है। अगर ये लोहे की ग्रिल नहीं होती तो शायद कुछ और जाने बच सकती थी। इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने सबसे पहली जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू किया, उससे भी पहले जब NDRF की टीम आई, उससे भी पहले जब फायर ब्रिगेड आई, उससे पहले यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने वो पूरी कवायद शुरू कर दी थी कि कुछ लोगों की जान बचाई जा सके। सर, कैसे आपको पता चला, किस तरह की आवाज़ें आ रही थी, किस तरह से लोग मदद मांग रहे थे? रात को जब शोर शराबा हुआ, तकरीबन कोई 4:30-5 बजे का टाइम था, तो मैं अपनी छत पे आया तो इस ये जो खिड़की दिख रही है आपको, इसमें 4 से 5 लोग खड़े हुए थे। वो हाथ जोड़ के मदद की गुहार कर रहे थे कि अंकल हमें बचा लो, मुल्ला जी हमें बचा लो, अल्लाह के वास्ते हमें बचा लो, हम मर जाएंगे। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था, एक मोहल्ले के भाई मंसूर हैं वो आ गए, लेकिन गैप इतना है कि हम दोनों उनकी मदद करते हुए भी नहीं कर सके कुछ भी। हमसे जितना बन पड़ा हमने उतना करा। 1.25 घंटे की मशक्कत के बाद हमने यहाँ सीढ़ी लगाई, उसके बाद फायर आ गई। फायर के 2 बंदे थे, उनका नाम मुझे नहीं मालूम, उन्होंने इस रेस्क्यू में मेरी 100% मदद करी है। उन्होंने ही उन 2 बंदों को निकाला जो यहाँ से जीवित निकले हैं, और जो 5 बंदे या 6 बंदे इसके अलावा थे उनका नहीं पता कि उन्हें निकाला गया है या नहीं निकाला गया है। जो 2 बंदे मेरी इस छत से निकल के नीचे गए हैं उनका भी नहीं मालूम मुझे कि वो हैं या नहीं है। किस हालत में थे वो जब उनको निकला? हालत उनकी ऐसी थी कि समझ लीजिए वो 50% ना के बराबर थे, जल गए थे। जले नहीं थे, लेकिन उनका दम घुटने की वजह से उनकी हालत ऐसी थी कि वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, अपना नाम सही से नहीं बता पा रहे थे। 2 बंदे थे, 17 से 18 साल के थे, दोनों शायद उनके वर्कर होंगे जो मालिक हैं यहाँ के। उन दोनों को दिल्ली पुलिस वाले नीचे ले गए, हॉस्पिटल ले गए। अब वो ये नहीं पता मुझे कि वो जीवित हैं या मर गए दोनों। वो दर्द भरी आवाज़ें अभी भी आपकी कान में? बिल्कुल, मुझसे नाश्ता सही से नहीं करा गया। भूलने वाली चीज़ नहीं, ये भूलने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि देखो वो भी किसी के बच्चे थे। अगर उनको मेरी जितनी कोशिश हुई मैंने करी, भाई मंसूर की जितनी कोशिश हुई उन्होंने करी, मोहल्ले के 10-12 लड़के तो उन्होंने कोशिश करी, लेकिन वो सारी कोशिश ना के बराबर हुई जब तक NDRF नहीं आ गए। रात को खटखटा के वो ये कटर लाओ 2-3 घरों में पता करा, जब कटर मिला तब ये काटेगा। अगर ये खुलने वाली विंडो होती ना फिर भी बहुत फायदा हो जाता, निकल जाता। अच्छा आवाज़ लगाए कि जो आ सकता है बाहर वो आ जाओ। अच्छा दोनों हिम्मत करी, जो कम इस हालत में थे वो आ गए, बाकी कोई नहीं आ पाया। बहुत बुरा था, बहुत। ये ग्रिल की दिखाओ ना, ये काटी गई है उससे कटर से, और अगर ये बहुत जल्दी कट जाती तो शायद जल्दी आए कटर से। तो जिसकी वजह से 2 बंदे बाहर आए हैं, उसके बाद कोई नहीं आया यहाँ से। अब वो ये नहीं पता कि NDRF ने कब निकाला कब नहीं निकाला। ये इल्लीगल फैक्ट्री है? बिल्कुल इल्लीगल है जी मैडम। ये पहले रिहाइश होती थी? पहले रिहाइश होती थी। इन्होंने सब किराए पे दे रखा है, सब गरीब लोग पैकिंग वैकिंग करने वाले वो यही सोते थे रात को। कौन रहा करता था इन घरों में, कौन रहा करता था इन फैक्ट्री? पहले फैक्ट्री थी, फिर उन्होंने छोटे मोटे उनको डिपार्टमेंट बना के किराए पे दे दिया। फैक्ट्री में जो लेबर है वो रात को भी यहीं सोते? हाँ रात को भी यहीं सोते, रात को भी यहीं। देखिए आप, ये जो आपको एक ग्रिल का टुकड़ा है वो यहाँ पर आपको अभी भी अटका हुआ नजर आएगा इस तार के साथ, जिसको काटने की कोशिश की गई और जब ये कट गया उसके बाद 2 लोगों को यहाँ से निकाला गया। लेकिन यहाँ पर कई लोग थे जो ये भीख मांग रहे थे कि उनकी जान बचा ली जाए, उनकी मदद कर दी जाए। यहाँ पर सीढ़ी लगाई गई और उस सीढ़ी के जरिए यहाँ पर कटर से इन ग्रिल को काटा गया। लेकिन यहाँ पर सीढ़ी लगाना आसान नहीं था, देखिए किस तरह से सीढ़ियाँ का जो काम है वो किया है यहाँ के लोगों ने, क्योंकि देखिए कितनी गहराई है यहाँ पर। अगर सीढ़ी जरा सी भी इधर उधर होती तो एक और हादसा भी हो सकता था, लेकिन यहाँ के लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और जान बचाने की कोशिश की। लेकिन इस बात का अफसोस उन्हें अभी भी है कि अगर यहाँ पर ये ग्रिल नहीं होती, अगर खुलने वाली खिड़की होती तो शायद कुछ और जाने बच सकती थी। तो निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, आसपास लोग खड़े थे, मदद करना चाहते थे, लेकिन कोई संसाधन मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से यहां पर स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई है। लगातार बड़ी खबर पर अपडेट हर एक आप तक पहुंचाएंगे, रुक रहे ब्रेक के लिए।